छत्तीसगढ़ के छुरिया विकासखंड में आने वाले ग्राम पंचायत नादिया के वर्तमान सरपंच दीपक सिंह राजपूत ने कुछ दिन पहले पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने पूर्व सरपंच देव सागर गुप्ता के पर 17.5 लाख रुपए की राशि का गबन करने का आरोप लगाया है, जिनकी उन्होंने शिकायत कलेक्टर को की है। उन्होंने अपने गांव की मूलभूत समस्या और पिछले 5 वर्षों की कार्यकाल की जानकारी सचिव नरेश ध्रुवे से मांगी गई है। इसमें मुख्य कार्य शौचालय निर्माण संबंधी बिल वाउचर हितग्राहियों के नाम व अन्य प्रकार के कागज सचिव से मांगने पर जनपद सीईओ ने मना कर दिया है, जिससे पूरे मामले में गबन की शंका जाहिर हो रही है। इसमें सरपंच सचिव पर मिलीभगत कर स्वच्छता अभियान के तहत ODF की राशि हड़पने का आरोप लगाया गया है। नव निर्वाचित सरपंच ने जानकारी देते हुए बताया कि मामला 19 लाख रुपए का है, जो ग्राम में शौचालय के निर्माण हेतु शासन व्यादारा द्वारा हितग्राहियों को दिया गया था। इसके चलते शौचालय निर्माण में बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। सरपंच सचिव पर मिलीभगत कर स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण की राशि हड़पने का आरोप लग रहा है। इसके अलावा नव निर्वाचित सरपंच ने बताया कि निर्माण कार्यों की आड़ में लाखों रुपए की रकम डकार ली गई है। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण और आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए आई राशि 90,000 और 1,45,000 की रकम बगैर किसी हिसाब से निकाली गई है। उन्होंने इस मामले में प्रशासन से उचित कार्यवाही करने की मांग की है। रजनांद गांव से संवाददाता सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। जी उत्तम लाल, कहाँ से हो आप? नादियाकुर। अच्छा, ये आप 16 साल जो बने हैं, हाँ, वो कब से बने हैं? ये साल, 2 साल, 3 साल? ये 2 साल। 2 साल हुआ है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया था पूर्व सरपंच द्वारा? ये दरवाजा बस ये दिए थे, बस दरवाजा, बस बस। तो ये ऊपर का टीन सेट और नहीं दिए थे? कुछ नहीं दिए ना, दरवाजा बस। तो आप लोग कहाँ जाते हैं शौच करने के लिए? इसी में? हाँ, क्या करें। तो फिर दरवाजा के बिना कैसे करते हैं फिर आप लोग? समस्या होता होगा, टूट गया। हाँ, तो इसमें महिला भी जाते होंगे, पुरुष भी आते होंगे ना? आपको क्या क्या चीज़ मिला यहाँ आपको? यहाँ तो सबसे बड़ी कमी है जो ODF का आया था यहाँ पे बाथरूम शौचालय के लिए, उसमें किसी को भी यहाँ पे कुछ राशि मिली नहीं है। कितना राशि आया था टोटल यहाँ ODF के नाम, 16 शौचालय के नाम से? 19 लाख रुपए। 19 लाख रुपए, जिसमें से यहाँ कितना कार्य हुआ है आपके गांव में जो शौचालय के नाम से? शौचालय के नाम से कुछ कार्य नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, तो क्या कहना है पूर्व सरपंच द्वारा आपको? पूर्व सरपंच का कहना है 17.5 लाख रुपए का खत्म हो चुका है, लेकिन उसका कोई बिल वाउचर कुछ भी नहीं दिखाया गया मेरे को। तो सचिव से बात हुआ इसके लिए आपका? सचिव से बात हुआ तो वो बोलता है कि CO साहब मना किए हुए हैं, मैं नहीं दिखा सकता बिल वाउचर। छुरिया जनपद। अच्छा, CO साहब का नाम ले रहे हैं? जी। तो आपका सचिव से ऐसी बात हुआ? जी। तो आपको क्या लगता है यहाँ आप जाके देखेंगे घर घर की सुलभ शौचालय बना है कि नहीं बना है? सुलभ शौचालय तो बना है, लेकिन वो अपने पैसे से बनाए हुए हैं लोग, इनके द्वारा कोई राशि नहीं दी गई है पूर्व सरपंच के द्वारा। और सामान वामान कुछ? वो थोड़ा बहुत किसी को एक ड्रम दे दिए हैं, किसी को 2 बोरी सीमेंट दे दिए हैं, बस इतना ही। कम से कम 17.5 लाख का गबन किया गया है पूर्व सरपंच द्वारा, इधर बात नहीं, नहीं काम हुआ है, काम हुआ है, पैसा भी बचा है। कितना बचा होगा? 1,71,000 बचे है। अच्छा, तो इसका बिल वाउचर को आप कब दिखा रहे हैं पूर्व सरपंच, नए सरपंच को? अब 1-2 दिन में दिखा दूंगा। और हितग्राही को कितना पैसा मिले? पैसा नहीं दिए भाई, सामान दिए। क्या क्या दिए आपने सामान? दरवाजा दिए हैं, सीट दिए हैं, ड्रम दिए हैं, बाल्टी दिए हैं, जग दिए हैं, एक गांव में 5-5 बोरी सीमेंट भी बांटे हैं, और अगर शुरुआत वाले किस्ती तो मरम्मत किए हैं, ईटा रेती सब मिस्त्री लगा के। तो वहाँ तो कई लोगों का कहना ये है कि हमें सिर्फ 1 बोरी सीमेंट दिया गया है, प्लस साथ में 3 बस दिया गया है ऊपर का, और या फिर कहीं कहीं ऐसा कि दरवाजा बस दिया गया है, नहीं या कहीं बाल्टी या डब्बा ही दिया गया है? नहीं, डब्बा तो सब कुछ दिया, ड्रम। अच्छा, ये बताइए सचिव साहब कि ये 16 साल जो बनाने का निर्माण का जो कार्य है, इसको पंचायत द्वारा कराने का कि स्वयं से करने का है? नहीं, शुरुआत में थे कोई स्वयं से करना करके, ये प्रोत्साहन राशि आए थे उसको भी बोले गए कि उसके पैसा नहीं बांटना है, जैसे किसी का प्रोत्साहन राशि, प्रोत्साहन राशि आया था 3 किस्ती में आए थे, 6,60,000 के आसपास, मतलब 3 किस्त आए थे। नहीं तो मैं तो नियम के तहत देखा हूँ कि इसमें पंचायत के द्वारा जो है इसको निर्माण कराया जाता है 16 साल को, तो कई लोगों का कहना यह है कि हम स्वयं से अपना खुद बनाएं, तो ऐसा क्यों? नहीं तो भाई कई का मरम्मत भी, एक प्लस्तर भी बचा था, प्लस्तर भी कराए हैं, मिस्त्री लगा कर, लेवल लगा कर। अच्छा,
तो इसमें एक 12,000 रुपए कुछ देने का? नहीं, 12,000 देने का कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें बताया गया कि 12,000 रुपया भी देने की बात कही गई आपके द्वारा? नहीं, मतलब पंचायत द्वारा? नहीं कह रहे हम, घाव जिला जो आदेश था पैसा नहीं देना। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.